और पूरे प्रदेश के अंदर एक बदलाव की भावना लोगों के मन में आ चुकी है। लोग इस खट्टर सरकार से, भाजपा जजपा की सरकार से त्रस्त हैं, तंग हैं। लोग प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। प्रदेश में, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, ऐसी खटारा सरकार, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर एक, ये मुद्दा है। आज निवेश के मामले में सबसे पीछे, अभी जो RBI की रिपोर्ट आई, ऐसा भ्रष्टाचार की BJP और JJP के मंत्रियों में होड़ लगी हुई है प्रतिस्पर्धा की, कौन ज़्यादा लूटेगा। कि सरकार ने देश में ना सिर्फ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दी, लेकिन बेरोजगारी के जख्मों पे नमक छिड़कना काम CET के माध्यम से किया है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे में कितना बड़ा घोटाला सामने आया, CAG की रिपोर्ट में इतना बड़ा घोटाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शनिवार को जमकर प्रदेश सरकार पर हमला किया। सांसद ने प्रदेश सरकार को जहां खटारा सरकार बताया, वहीं बेरोजगारी से लेकर हरियाणा में निवेश सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। वहीं CET मसले को लेकर सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के जख्मों पर नमक डालने का काम किया है, प्रदेश के युवा इसका जवाब देंगे। बता दें कि शनिवार को सांसद रेवाड़ी में करीब 7 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रेवाड़ी पहुंचे सांसद ने सबसे पहले राव अभय सिंह चौक पर पूर्व विधायक राव अभय सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए सांसद ने रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव की जमकर पीठ थपथपाई। वहीं माल्यार्पण करने के बाद पूर्व मंत्री ML रंगा व पंजाबी नेता महेंद्र छापड़ा की ओर से सांसद का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। अब आपको दिखाते हैं कि रेवाड़ी पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किस तरह से एक के बाद एक सरकार पर हमला किया। आज आयोजित हमारा कार्यक्रम है जिसमें धर्म समाज, हमारा पुण्य समाज, उन जो रेवाड़ी पूरे जिले की जो कार्यकारिणी है, उन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। उसमें समाज की बात हो, किस प्रकार से उनकी धर्मशाला का भी आगे कार्य बढ़े, वो सारी बातों के लेकर आज ये कार्यक्रम एक है। उसके अलावा कई सामाजिक प्रोग्राम है, आज आने का ये है। युवा सम्मेलन भी है आज यहाँ पर, काफी सारे बता रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। बहुत से लोग लगातार कांग्रेस पार्टी हो, यूथ कांग्रेस हो, युवा कांग्रेस, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और आज भी जो यहाँ पर राव सिंह जी चौक पर इतनी बड़ी संख्या में, और आपने देखा इतने नौजवान साथी इतने जोश के साथ सबने जो मान सम्मान स्वागत किया, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भाई चिरंजीव भाई का, धन्यवाद करते हैं, जो कि एक ऐसे विधायक हैं जो ना सिर्फ सुख दुख में अपने हलके में क्षेत्रवासियों के बीच में रहते हैं, लेकिन क्षेत्र की आवाज़ को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बखूबी रखने का काम करते हैं। क्षेत्र के इलाके के विकास के लिए निरंतर ये लड़ाई लड़ते हैं, और आज इनके नेतृत्व में हमारे भाई दिनेश जी, हमारे NSUI के हमारे नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव, उनको भी हम बधाई देते हैं, कल ही इनकी नियुक्ति हुई, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बने। तो आज सभी ने जो इतना स्वागत किया, वो इस बात का सूचक है कि रेवाड़ी जिले के अंदर एक बदलाव की, और पूरे प्रदेश के अंदर एक बदलाव की भावना लोगों के मन में आ चुकी है। लोग इस खट्टर सरकार से, भाजपा जजपा की सरकार से त्रस्त हैं, तंग हैं। लोग प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। लोग हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को लेकर एक आशा भरी नज़र से देखते हैं, और हमें विश्वास है आने वाले समय में मजबूती से हम प्रदेश में बदलाव। फिल्म मैं गदर हूँ, ये नई संसद भवन में इसका स्क्रीनिंग कराया जा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है, कहाँ किस तरह से देखते हैं इसको? तो इसमें अब ये मैं समझता हूँ कि कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, तो जो है अब क्या है, वो स्क्रीनिंग कराई जाएगी तो अच्छी बात है। इसमें कोई हमें कोई देखिए मुद्दा है, हरियाणा प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ऐसी खटारा सरकार जिसमें जो प्रदेश दिल्ली के तीन तरफ हो, और देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन में आगे होता हो 2013-14 से पहले की हम बात करें कांग्रेस सरकार की, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर एक, ये मुद्दा है। आज निवेश के मामले में सबसे पीछे, अभी जो RBI की रिपोर्ट आई, जो निवेश में नंबर एक होता था, निवेश में सबसे पीछे, ये मुद्दा है। आज महंगाई प्रदेश में देखना सकते हैं, वो नीचे गिर गया, यही हमने रोक लिया रुकावट के लिए, खेत
तो आज महंगाई में हर घर का बजट बिगड़ गया, सबसे ज्यादा महंगाई भी, वेट भी सबसे ज्यादा खट्टर सरकार में हरियाणा में, ये मुद्दा है। आज भ्रष्टाचार में ऐसा भ्रष्टाचार कि बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों में होड़ लगी हुई है प्रतिस्पर्धा की, कौन ज्यादा लूटेगा, ये एक मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सरकार का अहंकार, ये कैसे मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर प्रदेश के कोने कोने में। आपने कहा कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन लगातार बिखराव की बातें जिस तरीके से सामने आती है, पिछले दिनों सुरजेवाला जी का एक बड़ा बयान आया, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं? वो हम सब एकजुट हैं, कांग्रेस एकजुटता से प्रदेश के अंदर, प्रदेश के लोग भी कांग्रेस के साथ एकजुट। सीटी को लेकर हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि सरकार ने देश में ना सिर्फ सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी, लेकिन बेरोजगारी के जख्मों पे नमक छिड़कना काम सीटी के माध्यम से किया है। सीटी की परीक्षा में देश में सबसे कम 4 गुना की रेशो हरियाणा में, राजस्थान तक में 15-15 गुना बुलाए जा रहे हैं, मगर सीट हरियाणा में 4 गुना की कंडीशन की रद्द होनी चाहिए। नौजवानों को एग्जाम में बैठने का, इंटरव्यू पे सीधे बुलाने का अवसर मिले, सीटिंग क्वालिफाइंग नौजवानों को, इस रेशो को बाकी प्रदेशों से ज्यादा बढ़ाया जाए, कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सीटी को लेकर हमारी मांग है, प्रदेश के नौजवान के साथ न्याय करा जाए। बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे में कितना बड़ा घोटाला सामने आया, सीएजी की रिपोर्ट में इतना बड़ा घोटाला, मैं समझता हूँ कि आयुष्मान में कितना बड़ा घोटाला, तो ये बहुत से घोटाले हैं। बाकी इंटरव्यू जब आप टाइम लेंगे इंटरव्यू देंगे पूरा। आज हमारे